ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फैटी लिवर पे एक रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक सिर्फ 14 दिन में फैटी लिवर को 50% तक कम किया जा सकता है। इसमें लोगों के एक ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड या कीटोजेनिक डाइट पे रखा गया जिसमें 30 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट उन्हें एक दिन में खाने की इजाजत थी। कैलोरीज कम नहीं की गई, कैलोरी डेफिसिट पे नहीं रखा गया, सिर्फ कार्ब्स को कम कर दिया गया। तो जो रिजल्ट सामने आया उसके मुताबिक लिवर फैट में 43.8% रिडक्शन देखी गई और ये लिखा गया कि कीटोजेनिक डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लिवर फैट में 50% तक कमी लाई जा सकती है। बातों को थोड़ा आसान कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है नशास्तादार ग़िज़ा, छने हुए आटे की रोटी, पास्ता, पिज्जा, नान, समोसा, पकौड़ा, कनोला ऑयल, चीनी, चावल, ये सब कार्ब्स में आते हैं और सिंपल कार्ब्स में आते हैं, जबकि हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की जरूरत है। एक दिन में 30 ग्राम कार्ब्स से भी कम खाने का मतलब है कि पूरे दिन में या तो आप सिर्फ दो छोटी रोटियां खा सकते हैं, 24 ग्राम कार्ब्स है, या आप 30 ग्राम पके हुए राइस खा सकते हैं, 23 ग्राम कार्ब्स है इसमें, या आप 30 ग्राम पकी हुई दाल ले सकते हैं जिसमें 20 ग्राम कार्ब्स है, या 30 ग्राम आप पकी हुई सब्जियां ले सकते हैं जिसमें 28 ग्राम कार्ब्स है। किसी चीज में कितने ग्राम कार्ब्स है ये डाटा आप आसानी से इंटरनेट से ले सकते हैं और अपनी डाइट को इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी सामने आई, वो ये कि इस दो हफ्ते में वेट लॉस सिर्फ 1.8% तक रहा, वेस्ट लाइन पे भी फर्क नहीं पड़ा। ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कीटो डाइट को जारी रखना है क्योंकि जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं वेट लॉस के वो दो हफ्ते में नजर नहीं आएंगे, वेस्ट लाइन कम नहीं होगी और हो सकता है कि आप मायूस होके इसे क्विट कर दें। आपको लगेगा शायद कि ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अपेरेंटली बॉडी पहले लिवर फैट को प्रायोरिटी पे रख रही और फिर बाकी फैट्स को टारगेट करती है और एक्चुअल वेट लॉस स्टार्ट होता है। बॉडी यहाँ डिक्रीज्ड डीनोवो लाइपोजेनेसिस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। डीनोवो लाइपोजेनेसिस में लिवर नॉन फैट सोर्सेज जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को फैट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ जब आप कार्ब्स नहीं लेते डाइटरी पैटर्न चेंज होता है तो डीनोवो लाइपोजेनेसिस की 79.8% तक रिडक्शन देखने में आती है। न्यू फैटी एसिड्स नहीं बनते, इसके साथ साथ एक्चुअल फैट बर्निंग प्रोसेस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में 5 गुना तक इजाफा देखा गया और एक्सरसाइज भी साथ में करें तो इफेक्ट डबल हो जाएगा। तो फैट बर्न भी कम रहा है और बर्न भी ज्यादा हो रहा है। इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स देखने में आई। इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स में लो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स डेफिनेटली, बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, लेस इंसुलिन रेजिस्टेंस मिली और ये रिजल्ट कैलोरी डेफिसिट में जाए बगैर सामने आए, मतलब इसमें कैलोरीज कम नहीं की गई, लिवर इन्फ्लेमेशन में कमी देखी गई और फोलेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हमारी गट माइक्रोबायोम का हिस्सा है जिनमें स्ट्रेप्टोकोकस, ईकोलाय, लैक्टोबैसिलस, इनकी नई स्ट्रेन्स को बॉडी में देखा गया, इंक्रीज्ड फोलेट लेवल्स को देखा गया, विटामिन B9 या फोलेट लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म और बाइल प्रोडक्शन को सपोर्ट करता, लिवर फंक्शन इंप्रूव करता, फैटी लिवर की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो सोजिश हुई है उसमें इन्फ्लेमेशन साइट पे इन्फेक्टेड सेल्स का DNA रिपेयर करता, न्यू सेल सिंथेसिस में हेल्प करता, फैट मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाता। कीटोजेनिक डाइट में वैसे भी ब्लड में फोलेट लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं। इस इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं, बैड कार्ब्स नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने, एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा नहीं खाने, वेजिटेबल ऑयल और चीनी ये छुपे हुए कार्ब्स और हर दूसरी खाने की चीज में मौजूद है। तो आपको मील प्रेप की तरफ जाना, खाना खुद बनाना, वजन कम करना, तो यहाँ आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया, ब्लड शुगर कंट्रोल हो गई, वजन कम हो गया और फैटी लिवर रिवर्स हो गया। इस रिसर्च का लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है। ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।